नमस्कार कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन मैं हूं डॉक्टर जगजीवन शर्मा दर्शकों प्रदेश सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा और भिन्न भिन्न विभागों के माध्यम से विभिन्न भी योजनाओं के माध्यम से किसानों और बागवानों के हित में बहुत सारी योजनाएँ चलाई जा रही है इसी तरह से कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे लोगों को किसानों को लाभ मिलता है अपिताओं बहुत सारी सुविधाओं का फायदा भी मिलता है लेकिन होता यह है कि हमें योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं होती इसलिए उन योजनाओं का लाभ हम समूची तरह से नहीं ले सकते इसलिए दर्शकों आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में के इस अंश में हम जानकारी देने वाले हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों और बागवानों के हित में योजनाएं और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए जो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुक उठा दूँ हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर सुनील ठाकुर डॉक्टर सुनील आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर सुनील इस योजनाओं से संबंधित जानकारी अपने विभाग की तरफ से देते हैं और वर्तमान में मशोबरा में कृषि विभाग में बतौर एस एम एस कार्यरत हैं और लोगों को इस तरह की जानकारी दे रहे हैं और लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं चलिए सीधे चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास और जानते हैं कि विभाग द्वारा वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ किसान और बागवान ले सकते हैं डॉक्टर सुनील मेरा पहला सवाल ये है कि किसानों और बागवानों के हित में ऐसी कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही हैं प्रदेश में या आपके विभाग द्वारा या भारत सरकार के माध्यम से जिनसे किसानों को लाभ मिलता है सहायता मिलती है और सुविधाएं मिलती है सर मुख्यतः जो कृषि विभाग द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो या तो केंद्र प्रायोजित होती हैं या राज्य प्रायोजित होती हैं तो केंद्र प्रायोजित जो हमारी योजना है उसमें जो एक बड़ा भाग जो है बजट का वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है और कुछ उसमें जो है राज्य सरकार का भी हिस्सा होता है जी और इसके अलावा जो राज्य प्रायोजित योजना है वो जो है पूर्णतः राज्य द्वारा जो है उसका बजट का प्रावधान किया जाता है डॉक्टर uh, सुनील आपने कहा कि दोनों तरह की योजनाएं हैं एक केंद्रीय प्रायोजित जिसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी कहा जाता है चिय। स्था। चिय। चिय। स्था। और उसमें बड़ा हिस्सा जो है वो केंद्र द्वारा प्रायोजित होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होता है और दूसरी स्कीम जो प्रदेश की तरफ से प्रदेश की निजी स्कीम्स है जिसमें प्रदेश की तरफ से जो है वो सहायता के तौर पर बजट रखा जाता है डॉक्टर सुनील मेरा एक और सवाल है किसानों के हित में आपके विभाग द्वारा संभवतः बहुत सारी योजनाएं चलाई जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं लेकिन क्या मोटिव क्या रहता है जी किसानों के हित में इन योजनाओं का लाभ देने का क्या मकसद रहता है और किसानों को क्या फ़ायदा है उससे जो स्कीम्स जो, है, जो या योजनाएं जो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं जो कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं उसमें जो एक तो मेन कारण ये है कि हमारे जो भारत है इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो पूरे विश्व का कुल केवल ढाई परसेंट के आसपास है ढाई प्रतिशत के आसपास है जी, और जो पानी की के सोर्सेज हैं वो लगभग चालीस प्रतिशत के आसपास भारत में है जी, और आप जनसंख्या देखें तो जनसंख्या जो है सतारह प्रतिशत विश्व की जो भारत में रहती जी, है जी, तो ढाई प्रतिशत क्षेत्र से विश्व के सतारह प्रतिशत जनसंख्या को एक फूड सिक्योरिटी उपलब्ध करवाना जी दो समय का खाना उपलब्ध कराना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है तो उस फूड सिक्योरिटी को कवर अप करने के लिए बनाए रखने के लिए जो है विभिन्न योजनाओं की आवश्यकता पड़ती है तो इसमें जो हमारे किसान जो है उनका जो एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है मुख्य भूमिका जो किसान निभाता है क्योंकि जो हमारी ज़मीन है वो तो बढ़ेगी नहीं जनसंख्या बढ़ती जा रही बढ़ती है तो किसानों को इनकम भी बढ़े ताकि वो मोटिवेट रहें जी। और जो है वो कृषि में नए आयाम छूते रहें और जो है एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर में होती रहे और साथ ही साथ जो है जो हमारा कल्टीवेटेड एरिया है अगर उसमें कोई बढ़ोतरी हो सकती है तो वो भी जो कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है एग्रीकल्चर के अंडर आ सके ताकि प्रोडक्शन जो हमारी फूड ग्रेन्स की या सब्जियों की या अन्य खाद्य पदार्थों की जो है बनी रहे जी डॉक्टर सुनील आपने सही कहा और सही तरह से व्याख्याित किया मुझे लगता है आपने कहा कि हर तरह का उद्देश्य है एक तो जो किसान बागवान है उनको मोटिवेट करना उनकी आय में वृद्धि करना ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है बहुत बड़ी सोच रहती है विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से और दूसरी तरफ से आपने कहा कि कृषि क्षेत्र में नए नए आयाम हो पैदावार बढ़े और लोगों को जो है वो खाद्य सुरक्षा मिले लोगों को आ, खान पान की सुविधाएं मिले क्योंकि जब आपने कहा सीधे सीधे शब्दों में कि जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है फूड की जरूरत बढ़ती जा रही है खाद्य सामग्री की लेकिन जमीन जो है वो सीमित होती जा रही है या उतनी ही है चलिए डॉक्टर सुनील ये तो हो गई बात कि क्यों ज़रूरत है इन स्कीम्स की किसानों के लिए अब बात करते हैं स्कीम्स या योजनाएं क्या क्या है आपने कहा दो तरह की स्कीम्स हैं एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थोड़ा सा चरणबद्ध तरीके से चलते हैं सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं केंद्रीय प्रायोजित जो योजनाएँ हैं वो क्या क्या हैं वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को वो जरूर बताएँ जो केंद्र प्रायोजित जो हमारी योजना है उसमें मुख्यतः है आपका एन एफ आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जी इसके अलावा आपका समाम आता है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेजेशन फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम जी आ, इसके अलावा जो आपका आ गया सॉयल हेल्थ सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी मैनेजमेंट जी नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सॉइल सॉल हेल्थ, हेल्थ एंड फर्टिलिटी ये मुख्य योजनाएँ हैं जी सर ये केंद्र सरकार द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही है प्रदेश के किसानों के हित में डॉक्टर सुनील इन योजनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा हमारे किसानों और बागवानों के लिए जानकारी आपने कहा कि एक स्कीम है एन ये स्कीम क्या है और किसान कैसे लाभ ले सकते हैं जैसे कि हमने कहा कि खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती जो है हमारे देश के सामने है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या और जलवायु में परिवर्तन जो आ रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए तो इसी के लिए जो 2007 में जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का जो है स्कीम का जो है लॉन्च किया गया केंद्र सरकार द्वारा इसमें जो मेन रहता है कि इसमें आ, वीट मेज़ गेहूँ मक्की जौ और ये आपका धान ये फसलें चिन्हित ये फसले चिन्हित की गई इसके अलावा जो है आपका पल्सिस हैं जी और न्यूट्रिशल जो हैं वो चिन्हित किए इनके जो मेन है कि इनके जो है प्रोडक्शन सस्टेनेबल जो है इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है प्रोडक्शन बढ़ानी है और इसके अंतर्गत जो हमारा एरिया है कल्टिवेटेड एरिया है इन फसलों के अंतर्गत उसको भी बढ़ाना है इसके साथ साथ जो है जो फार्म लेवल, लेवल पे जो फार्मर की इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी साथ साथ करती हैं इसके मुख्य उद्देश्य हैं उद्देश्य ये है तो डॉक्टर साहब एक किसान किस तरह से स्कीम का लाभ ले सकता है? जो इसमें जो हमारी स्कीम है इसमें मुख्यतः जो हम करते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन जो हम किसान के खेतों में लगाते हैं जी तो इसमें हमारे जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो पल्सिस के भी रहते हैं जी इसके अलावा जैसे कहा गेहूं के भी हैं मक्की के भी हैं और न्यूट्री के भी हैं जी तो हमारा जो डेमोस्ट्रेशन रहते है हैं वो नौ हज़ार पर डेमोस्ट्रेशन होता है वो एक हेक्टर के लिए लगता है जी तो जो हमारा वीट और मेज है गेहूँ और मक्का है ये हमारे प्रदेश में दस जिलों नौ जिलों में चल रही है इसमें शिमला किन्नौर और लाहौल स्पीति में धान और मक्के का नहीं है जी इसके अलावा जो हमारा धान मक्का और गेहूं का था वो जो धान है वो हमारे सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट में कांगड़ा और मंडी कांगड़ा वो चिन्हित किया गया और जो हमारा न्यूट्री सीरियल है वो सभी वो पल्सिस और न्यूट्री सीरियल हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट में सारे चल रहे बारह के बारह जिले जो है बारह के बारह जिले जो कवर हो रहे हैं जी तो इसमें हम न्यूट्रीशियल्स के भी और जो है इसके सीरियल्स के भी और पल्सिस के भी जो है डिमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं इसके अलावा जो है कैपेसिटी बिल्डिंग कैंप्स हमारे लगते हैं जिसमें हम किसानों को जो है बताते हैं कि इसमें किसी जो भी हमारे सीरियल्स हैं न्यूट्रिशियल्स हैं या फल उसकी खेती बाड़ी कैसे करनी है उसमें आपने खाद या माइक्रो माइक्रोन्यूट्रेंट्स कौन से डालने हैं इसके अलावा जो है उसमें प्लांट प्रोडक्शन केमिकल्स इंसेक्टिसाइड्स या फनजिसाइड्स कौन सी बीमारियाँ आती हैं कौन सी कीटें उस पर कब और कितनी मात्रा में उसका उपयोग करना है जी ये पूरा डिमॉन्सट्रेशन के माध्यम से बताया जाता है जिसके साथ साथ जो है हम जो है इसमें हाई क्वालिटी का उच्च गुणवत्ता का बीज भी जो है किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं वो भी सब्सिडी पर जो हमारे पल्सिस हैं उस पर लगभग चालीस प्रतिशत चालीस रुपये प्रति किलो या फिर पचास प्रतिशत उपदान है जो इज लेस जो भी इसमें कम रहता है उस पर उपदान है इसके अलावा न्यूट्रीशियल पर अस्सी प्रतिशत का उपदान है तीस रुपये प्रति किलो यहाँ एन एफ एस मिलता है और एक स्कीम है पचास परसेंट जो है वो हमारा या अस्सी परसेंट में जो बाकी रह जाता है वो हमारा जो एक स्टेट स्पॉन्सर स्कीम है प्रोमोशन न्यूट्रीशील वहाँ से जो है उसका बजट का प्रावधान किया गया है जी इसके अलावा जो है हम कैंप्स लगाते हैं एन के अंडर तो उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है किसानों को बताया जाता है कि दलहनी फसलें और आपकी ये सीरियल हैं और आपके जो न्यूट्रिसल हैं उसमें कब कब और क्या क्या चीज़ आपने किस किस मात्रा में किस तरीके से करना है तो डॉक्टर सुनील आपने कहा कि इस योजना के माध्यम से जो भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है इस स्कीम के माध्यम से आप किसानों को जो ये फसलें चिन्हित की गई हैं इनको बढ़ावा देने के लिए इनको किसानों को प्रोत्साहित करते हैं और टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं और आपने कहा साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग के तौर पर और आपने साथ ही साथ कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले बीज भी उपलब्ध करवाते हैं और उसमें अनुदान के साथ डॉक्टर सुनील इस योजना का लाभ कैसे लेगा किसान कैसे अप्लाई करेगा ऑनलाइन सुविधा है या ऑफलाइन मोड पे कैसे करेगा नहीं सर इसमें मुख्यतः की किसान को चाहिए कि वो अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में संपर्क करें, का का संपर करें या कृषि प्रसार अधिकारी का कार्यालय में नजदीक होगा उसमें संपर्क करें यदि उसको आवश्यकता है इसमें डेमोन्स्ट्रेशन की या बीज की तो वहाँ हमारे पास उपलब्ध रहता है जी। इसमें उसको बस एक अपना आधार कार्ड साथ लाना होता है आधार कार्ड के नाम पे एंट्री होती है जी। उस पर उनके सिग्नेचर होते हैं जो उनको उपधान पे बीज दिया जाता है इसमें कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोई प्रोसेस नहीं है किसान आराम से आ सकता है अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय से ले सकता है कि नजदीक के किसी भी कृषि कार्यालय में आकर भी? अधिकारी कर्मचारी से मिलकर और आपने कहा कि कुछ माइनर जैसी कुछ नॉमिनल जैसी जो फॉर्मेलिटीज हैं जैसे आपने कहा कि आधार कार्ड इत्यादि लेके पहचान पत्र लेके उसके बाद जो है वो किस योजना का इस योजना का लाभ जो है किस फसल के लिए लेना है ले वो जानकारी है। जो है वहाँ हासिल करके इस उसका लाभ ले सकते जानवर के साथ साथ वो इस पे अपना वो इनपुट है चाहे वो आपका केमिकल है या चाहे वो जी उसको लाभ ले सकता है जी डॉक्टर uh, सुनील एक और योजना का आपने बात की समान ये क्या योजना है ये समाम है सम मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेशन जी जब ये 2021 में रिवाइज की गई उस टाइम जो देखा गया भारत सरकार ने देखा कि जो हमारे पंजाब राजस्थान जैसे पंजाब उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं जो कृषि में बहुत आगे हैं उसमें जो फार्म पावर अवेलेबिलिटी थी वो टू पॉइंट जो उस टाइम एवरेज स्टेट की कंट्री की 2.02 से कहीं अधिक थी बल्कि इसके विपरीत जो पहाड़ी राज्य थे और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थे वहाँ पे जो है फार्म पावर अवेलेबिलिटी बहुत ही कम थी कम थी। तो इस उद्देश्य के साथ ही ये 2024-25 तक ढाई किलो पर हेक्टेयर तक पहुँचे तो उन्होंने जो है मकैनाइजेशन का एक बीड़ा इस स्कीम के माध्यम से जी। उठाया जी तो अब आप हम देख सकते हैं कि जो तेईस चौबीस पच्चीस का लक्ष्य ढाई किलोवाट पर हेक्टेयर का था वो 2023 के अंत तक और दो हज़ार बीस के शुरूआत तक ही दो पॉइंट पाँच चार किलो पर हेक्टेयर तक पहुंच गया है और 2030 तक जो है चार किलो वाट पर हेक्टेयर तक पहुंच चुका है जी और जिसके पीछे जो और जो इसके पीछे आ, मोटिव था वो ये था कि एक तो अब लेबर जो है मिलना मुश्किल हो रहा है टाइम कंज्यूमिंग हमारी जो पुरानी शैली है एग्रीकल्चर की उसमें बहुत ही समय लगता है तो इसलिए था कि किसान को एक तो इससे सुविधा प्राप्त होगी बिल्कुल ऊपर से उसका समय बचेगा और जो किसान जो जो है खेती बाड़ी करना वो बहुत ही जो है थकाने वाला कार्य है इससे उसके थकान भी कम रहेगी और जल्द से जल्द उसका कार्य भी होगा जी और जो इसके अलावा और जो खेतों में काम है उसमें अपना ध्यान भी किसान आराम से दे सकता है जी तो डॉक्टर साहब इस स्कीम का लाभ कैसे लिया जा सकता है माह में जो है ये हम सेंटर का एक पोर्टल है एग्री मशीनरी जी डॉट एन डॉट इन करके हैं जी उस पे जो है किसान भाई बंधु हमारे अप्लाई कर सकते हैं और जो विभिन्न फार्म मशीनरीज है जैसे कि ट्रैक्टर है पावर टिलर है पावर वीडर है रोटावेटर है जी अनेक प्रकार के जो हमारे फार्म मशीनरी है उसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं जब उनको सेंक्शन मिलती है उसके बाद जो है वो उन्होंने जो सिलेक्ट किया है अपना फार्म मशीनरी या इम्प्लीमेंट और जिस डीलर से किया है उससे वो लेकर और ये उसको निश्चिंत रहना है उसके बाद उसको कुछ नहीं करना किसान को कुछ नहीं करना उसके बाद जो है बिल और जो उसका वेरिफिकेशन होगा वो खुद सरकार खुद डिपार्टमेंट के अफसर जो है वहाँ जाके करेंगे किसान को जो है इसमें लगभग जो इसमें जो देखा गया है कि हमारे जो प्रदेश कहीं ही आप ले लो तो कम से कम अट्ठासी से नब्बे प्रतिशत जो हमारे स्मॉल मार्जिन फार्मर्स है अट्ठासी से बिल्कुल तो उन लोगों की पहुंच जो है मकैनाइजेशन फार्म जो मशीनरी है वहाँ तक नहीं हो पाती है नहीं होती तो उन तक ये पहुँचे इसलिए जो है इसमें सरकार ने एस सी और स्मॉल मार्जिन फार्मर्स लघु सीमांत किसानों और ख़ासतौर पे जो हमारे वुमेन फार्मर्स हैं जो महिला किसान हैं उन उनके लिए इसमें 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान रखा है बल्कि अन्य के लिए जो है चालीस प्रतिशत सब्सिडी का अनुदान है जी तो ये काफ़ी महत्वाकांक्षी तो स्कीम है और इसका लाभ जैसे आपने कहा कि जो भारत सरकार का पोर्टल है उसके माध्यम से ऑनलाइन जो है सबमिट करके फॉर्म सबमिट करके पूरी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद लाभ लिया जाए डॉक्टर सुनील क्या कोई ऐसी स्कीम भी है जिसमें प्रदेश के किसानों बागवानों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप या फिर उद्यमिता के लिए कोई लाभ या सहायता मिलती हो सर आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है ये स्कीम जो है अभी दो हजार में ही इंट्रोड्यूस की गई है ये केंद्र सरकार की स्कीम है इसमें ये है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम जी इसका जो मुख्य उद्देश्य जो सरकार का ये था कि एक तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोगों के बने जी और लोग जो है इसमें एग्रीकल्चर में जो है उद्यमिता एंट्रप्रनरशिप को अपनाएं जी ताकि इसमें एक तो प्रोडक्शन हमारी बढ़ेगी जी और इसमें जो मार्केटिंग इसमें मेन जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट का है और कम्युनिटी का है बिल्कुल तो इसमें जो पोस्ट हारवेस्ट लॉसिस को भी कम किया जा सके और जो मार्केटिंग जो है आपकी खेत से मार्केटिंग के चैनल्स भी बन सके जी तो इसमें पोस्ट हारवेस्ट में जो मेन इसमें आ, किसान जो अप्लाई कर सकता है वो है आपका ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट्स जी एसिंग यूनिट्स हो गए आपके फिर आपके कोल्ड स्टोरेज का है सप्लाई चेन का है सप्लाई चेन में तो यहाँ तक है कि उसमें जैसे ई प्लेटफॉर्म जो अपनी बिक्री के लिए अगर वो भी कोई किसान करना चाहता है तो उसके लिए भी उसमें प्रावधान है जी इसके अलावा जैसे हमने बताया कम्युनिटी साइट्स का है तो उसमें ग्रुप में या फार्म इंडिविजुअल लेवल पे वर्मी कंपोस्ट के यूनिट्स कर सकते हैं नर्सरी तैयार कर सकते हैं जी और अगर कोई एफ वगैरह है तो वो तो उसमें टिश्यू कल्चर वगैरह तक का भी एंट्रप्रनरशिप शुरू कर सकते हैं तो इसका लाभ कैसे लिया है आ, इसके लिए जो है आप किसान जो है अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय या बैंक दोनों कहीं भी जाके इसमें अप्लाई कर सकता है फॉर्म उनसे लेके अप्लाई कर सकता है इसमें जो उनकी एक डीपीआर बनेगी जो वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उसकी एक डीपीआर बनेगी डीपीआर बेस्ड पे जो है उस पर जो है उनका बैंक से इसमें सभी बैंक है चाहे इसमें आपके नेशनलाइज बैंक हैं कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या आपके रीजनल रूरल बैंक है सभी बैंक के माध्यम से आपको इसमें जो है लोन प्राप्त हो सकता है जी परंतु इसमें एक बात यह है कि इसमें जो 10 प्रतिशत जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो किसान को वहन करनी पड़ेगी जी लोन उसको बैंक से किसान को बैंक से मिलेगा परंतु जो इसमें का सरकार का जो हेल्प रहेगी वो सिर्फ इसमें इंटरेस्ट सबेंशन के लिए जी जो इसमें थर्टी परसेंट जो है इंटरेस्ट जो है उसमें थ्री परसेंट जो है उसमें इंटरेस्ट सबेंशन जो है सरकार की तरफ से जी मिलेगा तो कल मिलाकर डॉक्टर साहब एक बहुत तो महत्वाकांक्षी तो और बहुत बढ़िया स्कीम है और उन किसानों और बागवानों के लिए जो थोड़ा उद्यमिता में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं कोई एंटरप्रनरशिप के लिए उसके लिए भी जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से ये बहुत महत्वाकांक्षी तो स्कीम है जिसके बारे में आपने अभी भी विस्तार से बताया इसमें एक जी चीज़ और ऐड करना सर जी कोई किसान ऐसा है जो अलग अलग लोकेशन पे करना चाहता है तो वो ले सकता है अलग अलग लोकेशन के लिए भी प्रोजेक्ट्स में इसमें सुविधा ले सकता ले है सकता दो करोड़ तक जो है वो एक ही लोकेशन पे है करने उसने अलग अलग प्रोजेक्ट करने 25 प्रोजेक्ट एक लोकेशन पे कर सकते हैं पर दो करोड़ तक है अगर अलग अलग लोकेशन पे है तो अलग लोकेशन के लिए दो करोड़ का अलग है और 25 पच्चीस के का अलग है प्रोजेक्ट जी और ये है प्राइवेट एंटिटीज के लिए जी. अगर जो हमारे एफ हैं एस हैं या इनके फेडरेशन हैं वो करना चाहे तो उनको पच्चीस स्कीमों का भी कोई उसमें सीलिंग नहीं है कोई सीलिंग नहीं है नहीं। तो वो इस तरह से भी लाभ बिना सीलिंग के भी लाभ ले सकते हैं डॉक्टर साहब कोई ऐसी स्कीम जो मिट्टी परीक्षण से संबंधित कोई ऐसी योजना हाँ सर आपने बहुत अच्छी बात उठाई है उठा। ये मिट्टी परीक्षण की मिट्टी जो है मिट्टी और बीज दो ऐसी चीज़ें बहुत जरूरी है बिल्कुल बिना किसान इसके कृषि नहीं हो सकती है नहीं हो सकती हालांकि अब एग्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स ये माध्यम भी आ गए पर वो प्रोडक्शन को ना नहीं कर सकते जितना मिट्टी से है तो इसी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सोल हेल्थ एंड फर्टिलिटी एक शुरू किया था जिसमें कि किसानों के खेत से मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए जाते हैं जी। और जो स्टेट की लेबोरेटरीज़ हैं स्टेट लेबोरेटरीज में उनका परीक्षण किया जाता है और जो उसमें जो एनालिसिस होते हैं उसके बेस पे जो है रिकमेंडेशन जो है किसानों को दी जाती है जी। और उनको जो है एकीकृत न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इंटीग्रेट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए प्रोत्साहित किया ये जाता ये। है और ये जो सारा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है इसमें किसान को कुछ भी खर्च नहीं करना कुछ है कुछ भी खर्च नहीं जी। सैंपल भी डिपार्टमेंट ने लेने हैं जी टेस्ट भी डिपार्टमेंट ने स्टेट लैब से करवाने हैं और जो हेल्थ कार्ड है वो लोगों तक पहुँचाने का जिम्मा भी ये कृषि विभाग का है विभाग का है तो आपने कहा डॉक्टर साहब की पूर्णतया निःशुल्क स्कीम है और इस स्कीम का फायदा लेना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर मिट्टी की जांच परीक्षण अगर आप करेंगे तो आप जैसे एक्सपर्ट जो है वो किसानों को गाइड कर सकते हैं कि आपकी इस मिट्टी में इस तरह के पोषक तत्व हैं और ये वाली फसल इस तरह से जो है उगा सकते हैं और आपको लाभ होगा फसल की पैदावार भी पड़ेगी और आपकी इनकम और आय भी बढ़ेगी चलिए डॉक्टर साहब स्कीम्स आपने कहा कि बहुत सारी और भी है सेंट्रल स्पॉन्सिपल स्कीम लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरफ से आते हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है प्रदेश सरकार की तरफ की जो फंडेड हैं उनके बारे में बताएं जो राज्य प्रायोजित जो योजना है उसमें जो बहुत ही लोकप्रिय जो योजना लोगों के बीच है वो है मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना जिसको हम बाढ़ बंदी भी जी सिंपल सा बताएं आ, ये बहुत ही लोकप्रिय योजना है लोग इसके लिए बहुत आतु रहते हैं कि उनके खेतों में जी तो ये, ये स्कीम है क्या कैसे लाभ लिया जा सकता है आ, इसमें जो भी किसान इसका लाभ लेना चाहते हैं वो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक पोर्टल है ऑनलाइन पोर्टल एग्री डी पोर्टल है जी उस पर लॉग इन कर कर अप्लाई कर सकते हैं जी इसमें तीन टाइप के मॉडल्स होते हैं एक होता है आपका बागडोर फेंसिंग कंटिली तारों वाला फेंसिंग होती है एक चेन लिंक फेंसिंग होती है जिसमें क्रॉस uh, चेंस का जो है uh, जाला लगता है उसमें फेंसिंग होती है और एक होती है कॉम्पोजिट फेंसिंग जिसमें कि नीचे चेनलिंग क्रॉस वायर्स का जाला होगा उसके ऊपर जो है आपके दो फुट की जो है इसमें वायर्स uh, होंगी जिससे सोलर या सोलर uh, पावर जो है रन uh, करती है जी और इसमें जो किसान के पास जो है पूरी छूट होती है कि वो कौन सा जो है

या फिर छोटे जानवर जैसे खरगोश है शाहू है तो उनका है। बिल्कुल तो डॉक्टर साहब इसमें कितना अनुदान मिलता है और कितनी सहायता प्रदेश सरकार की तरफ से दी जा रही है प्रदेश सरकार द्वारा जो इसमें सत्तर प्रतिशत का जो अनुदान दिया जाता है जी जो आपके बाढ़ फेंसिंग है कंटेली तार वाली फेंसिंग है जी इसमें जो है चार इसका जो एस्टिमेट एक रखा है इसमें चार सौ तीस पर रनिंग मीटर है जी इससे ज्यादा जो है इसका खर्चा नहीं हो सकता और उस पर भी सत्तर परसेंट जो आपको मिलेगा जी उसके वो भी एंगल पोस्ट पे जी इसके अलावा जो बताया मैंने एक चेन लिंक फेंसिंग क्रॉस वाइज का जो जाला बनता है जी उसमें चार ये सारी जो है चार चार फुट तक की चार फुट तक ठीक है।, है तो चार फुट तक के वो उसकी हाइट होती है जी तो इसमें जो उसका छः सौ चालीस रुपये जो है पर मीटर जो है टोटल कॉस्ट आती है जी तो उसमें सत्तर प्रतिशत जो है अनुदान सरकार की तरफ से है और जो तीस प्रतिशत जो है किसान है उसमें अपना मार्जिन मनी देना है और जिसके बाद कॉम्पोजिट फेंसिंग जो मैंने आपको बताई कॉम्पोजिट फेंसिंग में जो है वो एज पर साइड जो है उसका एस्टिमेट बनता है जी। और वो लगभग एक हजार से लेकर बारह सौ रुपये के बीच आता है क्योंकि उसमें जो है एंग, कॉर्नर पोल्स लगने होते हैं जी इंसुलेटर्स लगने होते हैं तो पोल कितने लगेंगे वो वहाँ की साइड देख के होता वो है वो साइड देख के होगा लेकिन डॉक्टर साहब उसमें भी सत्तर प्रतिशत जो है अनुदान जी सत्तर भी सत्तर भी जी सर सत्तर प्रतिशत अनुदान जी डॉक्टर सुनील एक और महत्वपूर्ण तो सवाल मेरे जहन में आता है आए दिन के किसान और बागवान या श्रमिक जो काम कर रहे हैं खेतों में वो हादसे का शिकार हो जाते हैं मशीनरी की वजह से या किन्नी और चीज कारणों की वजह से या कई बार अपंग हो जाते हैं इंजरी हो जाती है कई बार हादसे के वक्त जो है वो फिर मृत्यु का शिकार भी हो जाते हैं क्या आपका विभाग या सरकार की तरफ से ऐसे हादसे उनके परिवारजनों को कोई सहायता प्रदान करता है इसकी जो है मांग लोगों के द्वारा प्रदेश के किसानों द्वारा बहुत लंबे समय से थी तो इसको मद्देनज़र रखते सरकार ने 2015-16 में मुख्यमंत्री किसान एवं खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना का जो है शुभारम्भ किया जी, था जी तो इसमें जो है किसान का यदि खेतों में काम करते हुए कोई हादसा हो जाता है बल्कि खेतों में काम करते ही नहीं कोई मशीनरी इम्प्लीमेंट्स घर से खेत तक या खेत से घर तक ले जाते हुए भी कोई हादसा पेशा हो, हो जाता है तो कितना अनुदान क्या मिलता है डॉक्टर साहब तो इसमें अलग अलग है इन केस ऑफ डेथ है अगर मृत्यु हो जाती है किसान की तो उसमें जो उनके परिवारजन है उनके लिए तीन लाख तक का जो है मुआवजा है अगर इंजरी होती है तो परमानेंट डिसेबिलिटी है तो उस केस में एक लाख तक का है और जो

जो उसमें उनके अपने सारे डिटेल जो फिलअप करेंगे हादसे की डेट कैसा वो तो एक तो आपके कार्यालय से फॉर्म सबमिट करना होगा आ, फिर किसी ग्राम पंचायत वगैरह के प्रधान वगैरह की जरूरत पड़ेगी ग्राम और फिर डॉक्टर से जो है सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत प्रधान या सेक्रेटरी से जो है उस हादसे की जो जी डॉक्टर सुनील आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी जो किसानों के हित में है मुझे लगता है और किसान जो है इससे लाभ जरूर लेंगे आपका स्टूडियो में आने के लिए इतने महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों इस आशय और विश्वास के साथ कि जो भी जानकारी हमने आपसे साझा की उससे आप जो लाभान्वित होंगे अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर होगी तब तक आप स्वस्थ रहिए अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को जी दिए इजाज़त नमस्कार